पता नहीं राहुल गांधी किस मिट्टी के बने हैं। किला बाजार क्षेत्र के NIC ग्राउंड पर इमरान प्रताप गढ़ी ने एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी के पक्ष में माहौल बनाया। उन्होंने कहा, रायबरेली के राहुल, राहुल की रायबरेली। रायबरेली हमेशा गांधी परिवार का गढ़ रहा है। यहाँ की जनता गांधी परिवार का चुनाव खुद लड़ती है। इमरान प्रताप गढ़ी ने रायबरेली की जनता पर विश्वास जताते हुए कहा कि रायबरेली की जनता है जो हमेशा गांधी परिवार के साथ रही है और आगे भी हमेशा साथ रहेगी। रायबरेली से संदीप मिश्रा की रिपोर्ट। कह रहे हैं कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। मेरी पंक्तियां पहुंचाइएगा राहुल जी तक और पहुंचाइएगा नरेंद्र मोदी जी तक भी कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को खबर कर दो, तैयार है ना रायबरेली वालों, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा। भाइयों बहनों, देश के खजाने की चाबी मेरे हाथ में सौंप दो, मैं देश नहीं लिखने दूंगा। मैंने पार्लियामेंट में ये सवाल पूछा, यहां भी पूछ रहा हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। मोबाइल की लाइट कर सकते हैं आप, अगर हो सकती है तो सब कोई चलाइए। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय कहां सोया है चौकीदार, के चार बेचने वाला ऐसे कमजोर तालियों में सुनो से काम नहीं चलेगा। जाना जाता है मुझे दिखाई पाना चाहिए के चार बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल से महा बेच रहा है कि रेल बिक गई, रेल बिक गया पिता हवाई अड्डा, रेल बिक गई, तेल बिक गया पिता हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेबी अड्डा। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। रायबरेली वालों से वादा करो, अपना एक एक हाथ उठा करके यहां 20 मई को घरों से बाहर निकलोगे और अपना एक एक वोट लेकर के जाओगे, हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाओगे और राहुल गांधी जी को देता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा।
जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। आप किस मिट्टी के बने हैं राहुल जी, किस मिट्टी के बने हैं आप? भारतीय जनता पार्टी की सोशल मीडिया हो, मीडिया हो, सबने आपके खिलाफ आपकी इमेज खराब करने के लिए सालों साल कैंपेन चलाए, संसद से लेकर के सड़क तक आपका मजाक बनाने की कोशिश की गई, डॉक्टर वीडियो दुनिया के सामने रखे गए, झूठ बोला गया आपके बारे में, लेकिन आप मुस्कुराते रहे। आखिर किस मिट्टी के बने हो राहुल गांधी? मेरा कभी कभी दिल करता है मैं उनसे पूछूं कि आप किस मिट्टी के बने हो राहुल गांधी, कि आपके पूर्वजों ने इस देश को संविधान दिया, लोकतंत्र दिया, और एक दिन आपने जब देश की पार्लियामेंट में खड़े होकर के अदानी के मुद्दे पर सवाल पूछा तो पूरी मशीनरी लगा दी गई और आपको संसद से निकाल दिया गया, आप फिर भी मुस्कुराते रहे, आप किस मिट्टी के बने हो राहुल गांधी? मेरा दिल करता है मैं कभी कभी राहुल गांधी से पूछूं कि जिसके पूर्वज ने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश को हजारों करोड़ रुपए का अपना घर आनंद भवन दान कर दिया, उसी परिवार के वारिस से नरेंद्र मोदी जी ने सांसद आवास की चाबियां वापस ले ली महज एक महीने के अंदर, बेघर करने की इतनी जल्दी थी उनको, और वो शख्स मुस्कुराता हुआ चाबियां दे करके चला आया। मेरा दिल करता है कि मैं कभी कभी पूछूं आप किस मिट्टी के बने हो राहुल गांधी? जब वो 4,000 किलोमीटर चल रहे थे तो मैं उनके साथ चला हूं, मैं रायबरेली में खड़ा होकर के रायबरेली की आवाम से ये कहना चाहता हूं कि अगर आप इस बात पर ईमान रखते हो ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए, रखते हो ना इस बात पर ईमान, मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। मैंने देखा है राहुल गांधी का बहता हुआ पसीना कन्याकुमारी से कश्मीर तक, मणिपुर से मुंबई तक, मैंने देखा है राहुल गांधी के पैर के छाले। मैं यहाँ एनआईसी ग्राउंड में खड़ा होकर के रायबरेली की आवाम से राहुल गांधी की मजदूरी मांगने के लिए आया हूँ, क्योंकि न तो अभी वो पसीना सूखा है न वो पैर के छाले सूखे हैं, और जिन्हें ये लगता है कि साजिश चलेगा। आपसे एक छोटी सी शिकायत भी कर रहा हूं, आप जब सुबह चाय की दुकान पर बैठते हैं तो 2 मिनट में चीफ मिनिस्टर बदल देते हैं, और फिर जब चाय खत्म होने लगती है तो खत्म होते होते देश का प्राइम मिनिस्टर बदल देते हैं, क्योंकि आप रायबरेली के लोग हैं। आपने तो अपने आंगन में प्रधानमंत्री और बड़े बड़े मंत्री देखे हैं, लेकिन इस बार आपको उससे आगे 2 कदम जाना पड़ेगा। आप वोटिंग के लिए आपको लगता है राहुल गांधी जी तो जीत ही रहे, कौन जाए बूथ पर, गर्मी बहुत होगी, लाइन बड़ी लंबी होगी, नहीं, अपने एक एक वोट की अहमियत समझो। 20 तारीख को सुबह घर में चाय दिल्ली तक जाना चाहिए जो मैं पढ़ने जा रहा हूं कि ये जो सियासत की दुनिया है खुद में एक पहेली है, क्या बतलाएं कितनी साजिश कितनी मुसीबत झेली है, आज यहाँ का चप्पा एक ही सुर में बोल रहा, आज यहाँ का चप्पा चप्पा एक ही सुर में बोल रहा, राय बरेली के राहुल राहुल राय बरेली के राहुल राहुल राय बरेली है आज।